हेलो फ्रेंड, मैं रेनू और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने समर प्लांट के बारे में आपको, इंडोर प्लांट के बारे में कुछ बताने वाली हूँ फ्रेंड। एक ऐसा फर्टिलाइजर जो बहुत ही अच्छा होता है, इसको आप मनी प्लांट या फिर आप कोई भी प्लांट में, आप इंडोर या आउटडोर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसको फ्लावरिंग प्लांट में भी आप इसको यूज करेंगे फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है। तो फ्रेंड्स, क्या है ये फर्टिलाइजर, मैं ये आपको बता देती हूँ। देखिए, ये है हमारे घर के वेस्ट, यानी जो हम किचन में अपने वेस्ट यूज करते हैं, आलू प्याज के छिलके। तो ये मेरे सिर्फ प्याज के छिलके हैं फ्रेंड। तो इस प्याज के छिलके में आपको करना क्या है, मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको वाटर डाल देना है। देखिए, जितने भी प्याज के छिलके आपके घर के निकलते हैं, उनको फेंकना नहीं है। आप इसमें पानी डाल के इसको दो दिन के लिए या पूरी रात के लिए, आप 24 घंटे से कम में इसको मत भिगोइए फ्रेंड। 24 घंटे के लिए इसको आप पानी डाल के आप रख दीजिए किसी शेड में, और इसको रखने के बाद आप इसको रख दीजिए। उसके बाद फिर आप ये एक या दो दिन बाद इसको आप क्यों करना क्या है कि आप इसमें पानी मिला के, 2-3 लीटर पानी मिला के इसको पूरा डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है फ्रेंड। आप रोज़ भी दे सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो इसको आपको करना क्या है फ्रेंड, मैंने जैसे बताया कि इसको आप किसी भी अपने फ्लावरिंग प्लांट में या किसी आउटडोर इंडोर प्लांट में, जैसे आपने इतना भी गो लिया, तो ये मेरी अच्छी खासी प्याज का छिलका था, करीब 2 किलो प्याज का। तो जैसे कि इसको आप 5 लीटर पानी में इसको आप घोल लीजिए, और उसके बाद डाउनलोड करके आप अपने प्लांट में थोड़ी थोड़ी सी मात्रा दे सकते हैं। मैं अपनी पूरी वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको भीगने दीजिए और फिर मिलते हैं आपको 2 दिन के बाद। कि ये मैंने 10 लीटर की बाल्टी है, मैंने इसमें पानी ले लिया, और ये 2.5 किलो प्याज के जो मेरे छिलके थे, मैंने 2 दिन पहले इनको भिगोया था। इसका देखिए पानी एकदम रेड हो चुका है, और मैं इनमें मिला ले रही हूँ, और मिलाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा सारे प्लांट में आप देती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे देना है और कितना देना है। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में या फिर किसी भी इंडोर आउटडोर प्लांट में आप इसको आसानी से दे सकते हैं फ्रेंड। और इसको प्याज के जो छिलके हैं, वो आप एक या दो बार के लिए और भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार के लिए तो और आप इजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें फिर से पानी डाल दूंगी, और देखिए मैं थोड़ा सा पानी, जैसे ये है, मैं फिर इसको भिगो दूंगी, ठीक है। तो मैं इसको भिगोने के बाद मैं इसको फिर 1 दिन के लिए रख दूंगी, और मैं 24 घंटे के बाद जो मेरे प्लांट बचेंगे मैं कल उनमें पानी दे दूंगी। तो फिर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है फ्रेंड ये प्याज का। और इसके बाद अपना थोड़े थोड़े से, ये देखिए, जैसे कि ये मेरा है लेडी पाम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा, देखिए ये देखिए, बस ये करना है फ्रेंड। इस तरह से आपको फर्टिलाइजर देना है, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, आप यूज करके देखिए। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।